कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ को लेकर अब विराम लग चुका है। सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी है, तो वहीं सभी बड़े नेताओं में खुशी है। मगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अलग ही मिजाज देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर दो गुट हैं, एक है अशोक गहलोत गुट तो दूसरा है सचिन पायलट गुट। अशोक गहलोत जहां व सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी और भरोसेमंद नेताओं में शामिल है, तो वहीं सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी दोस्त माने जाते हैं। यही कारण है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही मुख्यमंत्री की दौड़ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही आपस में भिड़ पड़े। नतीजा निकल कर आया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट डिप्टी सीएम। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 2500 की 25 सीट जहां पर एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई, उसके बाद से ही गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, जमकर एक दूसरे के प्रति आक्रोशित हो रहे थे। वहीं चुनाव लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। सबको यही लगा कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछले 2.5 महीने से ये दौर चल रहा था। वहीं शनिवार 10 अगस्त को इस पर विराम लग गया। सोनिया गांधी जैसे ही अध्यक्ष बनी, सोशल मीडिया पर एक ही बात चली कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत की ही चलेगी, क्योंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई है। कुल मिलाकर बात करें, भले ही सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हो, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटते तो शायद सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाती, क्योंकि गहलोत को एक तजुर्बा है, क्योंकि वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो वहीं पायलट भले ही युवा हैं, मगर तजुर्बे की बात करें तो वह गहलोत से काफ़ी कच्चे हैं। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत राजस्थान में और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि वे बेरोक टोक सारे काम कर सकते हैं, बेरोक टोक वे सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। राजस्थान में विभिन्न पद खाली पड़े हैं, उसमें अशोक गहलोत भरपाई नहीं कर पा रहे थे, उन पदों को नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत कुछ करते तो सचिन पायलट बीच में आ जाते थे। मगर जिस तरीके से शनिवार को पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हुई है, उससे साफ जाहिर है कि अशोक गहलोत यहाँ राजस्थान में अब फ्री हैंड तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होंगे और उसके लिए गहलोत अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे। वहीं बात करें गहलोत मंत्रिमंडल की, तो गहलोत मंत्रिमंडल में जो लोग पायलट के साथ लगे हुए थे, वे भी शायद अब अशोक गहलोत की तरफ धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी एक चीज़ का डर रहेगा कि लोकसभा चुनाव तो भले ही कांग्रेस हार गई है, मगर राहुल गांधी अब इतने पावरफुल नहीं हैं जो वो पहले थे, क्योंकि अब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अशोक गहलोत सोनिया गांधी के काफ़ी भरोसेमंद नेताओं में से एक है। तो वहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य जो कि गहलोत सरकार में हैं, उन पर इस्तीफे की तलवार लटकी हुई नज़र आ रही है। गहलोत उनसे कभी भी इस्तीफा मांग सकते हैं। इस पर साफ तौर पर जाहिर है कि अशोक गहलोत अपने इन लोगों को जो कि सचिन पायलट से जुड़े हुए हैं, उनको कितनी महत्वता देंगे। लोकवार्ता से शिवशंकर की रिपोर्ट।